हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त अयान। आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कुवैत की 7 बड़ी खबर। क्या है वो खबर, आपको वीडियो के अंदर सारा कुछ पता चलेगा। और साथ ही साथ आप लोगों को एक अपडेट देने वाला हूं, जो कुवैत एप्लीकेशन के अंदर आया है वो कौन सा अपडेट होगा आपको वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। और वो अपडेट आपको जानना जरूरी है, उसके बिना आप कुवैत में एंट्री नहीं कर सकते। तो क्या है अपडेट, आप पूरा वीडियो देखिए अच्छे से फिर समझ ले। और आपको बताने वाला हूँ कुवैत एयरपोर्ट के बारे में एक नई अपडेट आई है, वो अपडेट क्या है वो आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा एक खराब अपडेट आ रहा है कुवैत को फ्लाइट को लेकर। तो क्या है वो मामला सारा, आपको सारा चीज इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखिए, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके, फटाफट बात करते हैं पहली खबर के बारे में। ओके, तो कुवैत के अंदर जो इंडियन एम्बेसडर है उन्होंने 152वां गांधी जयंती मनाया और उन्होंने ट्वीट करके जितने भी इंडियन रहते हैं कुवैत के अंदर सबको इस बारे में शुभकामना दी। तो मेरे तरफ से भी आप सब लोगों को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, चलिए बात करते हैं दूसरी खबर के बारे में। ओके, तो कुवैत के अंदर जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने दोनों वैक्सीन डोज नहीं लिया है उनको हर सप्ताह में अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा, उसके बाद ही उनको स्कूल जाना है। ये जो कानून है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से लिया गया है। तो जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप अपने बच्चे को हर वीक आरटीपीसीआर टेस्ट करवाएं, उसके बाद ही उनको स्कूल भेजें। ओके, चलिए बात करते हैं तीसरी खबर के बारे में। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है उन लोगों के लिए जो कुवैत में रहते हैं, जिन्होंने मिस किया था अपना सेकेंड डोज वैक्सीन लेना, वो जाके अब मिसरफ के अंदर कुवैत में एक मिसरफ जगह है, वहां पे जाके आप सेकेंड डोज अपना ले सकते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका अपॉइंटमेंट आया था सेकेंड डोज का, लेकिन वो जा नहीं पाए थे किसी भी रीजन से। उनको ये ऑफर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तरफ से कि वो मिसरफ के अंदर जाके वहाँ पे अपना वैक्सीन ले सकते हैं सेकेंड डोज। ओके दोस्तों, चलिए बात करते हैं चौथे खबर के बारे में। चौथे खबर के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जितने भी डिलीवरी बॉय काम करते हैं कुवैत के अंदर उनको हाईवे रोड जो है वो यूज करना बैन कर दिया गया था। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, ये जो बैन था वो 7 नवंबर तक पोस्टपोन कर दिया गया है। देखते हैं 7 तारीख के बाद क्या फैसला लिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर। लेकिन फिलहाल अच्छी न्यूज उन लोगों के लिए है जो भी डिलीवरी का काम करते हैं वो अब हाईवे यूज कर सकते हैं। 7 नवंबर तक उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, वो जहां भी डिलीवरी करना चाहेंगे वो हाईवे यूज करके जा सकते हैं। और ये सारा डिटेल जो भी मैंने बताया है वो बाइक डिलीवरी बॉय के लिए है। ओके, चलिए बात करते हैं पांचवी खबर के बारे में। पांचवी खबर के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ, जितने भी टीचर काम करते हैं कुवैत के अंदर उनका जो वर्किंग आवर होगा, उनके काम करने का जो टाइमिंग होगा, उसको कम कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। पहले जितने भी टीचर्स थे उनको 8 घंटा काम करना होता था, लेकिन अब कोविड की वजह से उनको बस 5 घंटा ही रहना पड़ेगा स्कूल के अंदर और बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। तो 3 घंटा कम कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कोविड को देखते हुए। ओके दोस्तों, चलिए बात करते हैं छठी खबर के बारे में। छठी खबर के अंदर ये है कि जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जो पाकिस्तान के PCCA हैं उन्होंने कुवैत एयरवे और अल जजीरा का जो फ्लाइट है उसमें जो बुकिंग है वो 50% कम कर दिया था। लेकिन अब PCCA एक और फैसला लिया है जो ये है कि हफ्ते में जितने भी फ्लाइट आते थे कुवैत के अंदर पाकिस्तान से उसमें से 2 फ्लाइट को कम कर दिया गया, मतलब वीकली, मतलब हर हफ्ते में 2 फ्लाइट अब कम आएगा पाकिस्तान से कुवैत के लिए। तो जितने भी पाकिस्तानी भाई है उनके लिए ये बहुत बड़ा सैड न्यूज है, क्योंकि ऐसे ही टिकट बहुत महंगा है और आगे आने वाले टाइम में और भी ये महंगा होगा। ओके, चलिए बात करते हैं सातवीं खबर के बारे में। सातवीं खबर के अंदर ये है, जो कुवैत के जो हेल्थ मिनिस्टर है शेख डॉक्टर बसील अल सबा, उन्होंने आज इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बताया कि जितना भी कुवैत का लाइफ है वो नॉर्मल धीरे धीरे हो रहा है, और उन्होंने बताया कि जितने भी बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं उनपे थोड़ा जो उनके जो पेरेंट्स है वो ज्यादा ध्यान दें और उनके हेल्थ का ख्याल रखें। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि कुवैत एयरपोर्ट भी जल्द पूरी तरीके से खुल जाएगा, अभी भी उस पर बात चल रहा है, अभी भी उस पर मीटिंग हो रही है, जल्द ही उस पर डिसीजन लिया जाएगा। अब देखते हैं कि कब तक DGCA और कुवैत गवर्नमेंट फैसला लेती है कुवैत एयरपोर्ट को पूरी तरीके से खोलने के लिए। जो भी इसके ऊपर अपडेट आता है मैं जैसा भी कोई भी इंटरव्यू होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का या DGCA का आपको अपडेट कर देता हूँ। आगे भी एयरपोर्ट के ऊपर कोई भी अपडेट आएगा आपको मिल जाएगा वीडियो के माध्यम से। ओके, चलिए बात करते हैं वो कौन सा अपडेट है जो आपके लिए बहुत जरूरी है कुवैत आने से पहले, अगर आप कुवैत में हो फिर भी आपके लिए बहुत जरूरी है। वो है स्लोनिक ऐप, जो एप्लीकेशन है वो अपडेट हो चुका है, तो जल्दी से आप डाउनलोड कर ले। और जितने भी नया वीजा वाले हैं वो भी, तो इस स्लोनिक ऐप के अंदर जितने भी नया वीजा वाले हैं अब उनको भी लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करके ही आपको आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट पे आपका पूरा चेक होगा स्लोनिक ऐप। तो प्लीज जल्दी से जाके आप डाउनलोड कर ले। कैसे उसको लॉगिन करेंगे आपको मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी दिखा दिया है, उस वीडियो का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जितना भी कुवैत में रहने वाले लोग हैं वो भी अब स्लोनिक ऐप को लॉगिन कर सकते हैं, जो पहले नहीं कर पा रहे थे। तो जल्दी से जाके आप वो वीडियो देखे कैसे लॉगिन करना है, सारा डिटेल आपको उस वीडियो के अंदर दिया हुआ है, तो जाके जल्दी से वो वीडियो देख ले। फिर मैं मिलूंगा आपसे इसी तरीके की नई अपडेट के साथ। मैं हूं अयान और आप देख रहे हैं कुवैत जॉब अपडेट। थैंक यू।